हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जो नीट का फिजिक्स है, जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न क्या है एनटीए का, और हम लोग जो अभी स्ट्रेटजी आप लोग कोई ना कोई फॉलो कर ही रहे होगा, उस स्ट्रेटजी में जो है आप लोगों को क्या चीज़ ऐड करना होगा, क्या चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है ना। जीत करने या फिर ये सोच रहे फिजिक्स टफ है, अच्छा इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जेल भागलपुर में, तो मेरे जूनियर्स भी हैं 23 बैच के और 22 बैच के, तो मैं 23 बैच से पूछता हूँ, मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस है और वहीं एक्सपीरियंस को आपको भी बताना चाहता हूँ कि देखिए जो फिजिक्स है ना उसमें एनटीए क्या कर रहा है ना, एनटीए वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लास्ट टाइम में हमें जो चैप्टर टफ है जिससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, न्यूमेरिकल है, बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे उनको बार बार पढ़ने के अलावा हमको जो है थ्योरेटिकल चैप्टर जो कि लास्ट टाइम में रिविजन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। मैं ये बता दूँ कि एनटीए जो है ना 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल वाले चैप्टर से पूछता है, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं लेकिन मतलब सिंपल होते हैं, जिसको लास्ट में पढ़िएगा तो आराम से इजीली कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वाले चैप्टर से पूछते हैं, मेरा कुछ कहने का मतलब है थ्योरेटिकल चैप्टर से जिनको लास्ट टाइम में रिवीजन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो मैंने ये जो 50% वाला चीज़ है ना, इस चीज़ 2022 के बैच के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत बढ़िया से आपको डाटा के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि एनटीए जो 2019 से लेकर अभी तक जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं उनको बताया, तो उसमें ही पता चला है कि मतलब 50% ज़्यादा जो है थ्योरेटिकल चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें सिंपल न्यूमेरिकल होंगे या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें को आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम लगेगा, टाइम का बचत भी इन्हीं सब चैप्टर से होते हैं, और इनसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और स्कोर बढ़ता है, तो ईजिली 120 से लेकर 140-150 प्लस स्कोर कर लेंगे, ठीक है, इतना स्कोर कर लेंगे, 40-50 पर स्कोर कर लेंगे, जो कि हमारे जूनियर्स किए हैं। मतलब मैं बात करता हूँ ना, तो वो लोग इतने फिजिक्स में अच्छे नहीं थे, बोल रहे थे एलन के टेस्ट में उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता था, एलन के समझ में बात है, एलन के टेस्ट और आकाश के टेस्ट में उन लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आने के बावजूद भी वो लोगों ने स्कोर किया फिजिक्स में अच्छा, ठीक है। मैं खुद गलती कर गया था लास्ट टाइम, इन सारे चैप्टर को रिवीजन करने के बजाय मैं पूरा मतलब कि कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल चैप्टर्स को बार बार पढ़ा जा रहा था, उनका थ्योरी बार बार रिवीजन करता था, तो मैटर यहीं करता ना कि जो क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं ना, तो आपको उनको भी रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए ना, जिनको अभी लास्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ना उनको रिवीजन ज़्यादा चाहिए, थ्योरेटिकल चैप्टर जिसको खुलने वाला चीज़ है ना उनको ज़्यादा रिवीजन करना है। एलन आकाश का जो चीज़ है मैंने बोला कि उसका टेस्ट में नंबर कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो क्या करना है इन सारे चैप्टर्स को ध्यान रखना है। मॉडर्न फिजिक्स आप सब कोई पढ़ते ही होइएगा, ठीक है, तो उसमें लास्ट टाइम में इन लोगों का रिवीजन करना मत भूलिएगा, रिवीजन करना है 2-3 बार रिवीजन करना है, बढ़िया से रिवीजन करना है, इसको वेटेज देना है, ठीक है ना, अपने रिवीजन में, तो देख सकते हैं किस तरीके से 2023, 2022 और 2021 में पूछा हुआ, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग सब कोई देख ही रही होगा, क्वेश्चन में ज़्यादा पढ़ेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, बताइए आपको भी पता होगा कि इनका इस चैप्टर का बिना रिवीजन किए आप नहीं जा सकते हैं, 2-3 बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज में आपको क्वेश्चन शुरू वाला पढ़ा दिए होंगे, अधिक क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आप देखिएगा, मैं 2022 वाला जो क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाया है जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा उसमें आप जाकर देखिएगा, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स में भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जितना इस चैप्टर इसमें पूछा है, जो कि आप इजीली मतलब आधा घंटा भी रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, और इसी तरह से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छोटे मोटे न्यूमेरिकल इससे आते हैं लेकिन जो कि इजीली कर सकते हैं, बाकी मैं छोड़कर इसमें आता हूं। तो ये वाला चैप्टर देख लीजिए, यूनिट इन डायमेंशन एंड मेजरमेंट वाला है, मेजरमेंट वाला, इसे 4-8-3 क्वेश्चन पूछा, 4 ही मान लीजिए कि हर साल पूछा जा रहा, 4-3-3 ही मान लीजिए हर साल पूछा जा रहा, तो भी बहुत है, और इस तरीके से अभी जो मैंने मार्क किया जिन चैप्टर्स को अभी मैंने मार्क किया उनका भी बात करें तो भी मतलब हर ईयर से 18-20 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है, आप जोड़ कर देख लीजिए 4 क्वेश्चन 2-3-5-4-9-9-10-19-3-22 तो अपना ही चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछ गया, तो भाई इसी को गलती नहीं होना चाहिए, इसका रिवीजन करना जरूरी है ना, फिजिक्स में सब चीज़ को ऐड है ना, तो आप कल बाद में जीत नहीं पकड़ना, फिजिक्स में अच्छे स्टूडेंट हैं मैं मानता हूँ लेकिन नंबर स्कोर करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो कि इजी है, उनका भी रिवीजन करना जरूरी है, जैसे ये सारे चैप्टर है, ये भी चैप्टर आसान है, माइक्रोप्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, माइक्रोप्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, इधर से थर्मोडायनेमिक्स है, ऑसिलेशन है, और काइनेटिक थ्योरी जो कि ये केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, वेव है, ये सारी चीज़ों का लास्ट टाइम रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। अब इससे भी देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको एड कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आराम से आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मेरा ये जो बता रहा था, ठीक है ना, तो अब लास्टली मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स का रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में कम से कम 2-3 बार रिवीजन कीजिए, अब कैलकुलेटिव चैप्टर जिसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जिससे क्वेश्चन आते हैं उनका क्या करना, उनका फॉर्मूला रिवीजन करना, बस फॉर्मूला रिवीजन करना, और टेस्ट देते हुए ना टेस्ट देते ही रहिएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लास्ट के 20-22 दिन यही करना है, 20-22 दिन अभी 25 दिन जो एग्जाम है इसमें यही करना, ठीक है।
तो क्या करना है, इस चीज़ समझ में आ गया। अगर ऐसा करते हैं तो मैं बोला ना कि जो तेज स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स अच्छा है, अगर वो इस तरह से करते हैं तो इजीली जो है ना 150 140 प्लस स्कोर हो जाएगा। मैंने देखा मेरे जूनियर्स भी किए हुए हैं, लोग 160 180 तक भी कर लिए हैं लोग स्कोर, आप ही लोगों के बीच में आकर, ठीक है। और बात करते हैं कि जिनका स्कोर मतलब कि 100 से नीचे है, 100 से नीचे मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन हो रहा है, मतलब सबसे नीचे हो रहे हैं, वो भी इजीली 130 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दिखाई दिया ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 50% ज़्यादा आ रहा है। बढ़िया से वीडियो है वो, मतलब 2022 वाला जो मैंने हूँ उसमें जाकर देखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। चीज़ें कि जीत नहीं पाना है आपको, जाकर बढ़िया से देखना है और अपनी स्ट्रेटजी में इस सारी चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। आपको मार्क कर लीजिए इस चैप्टर को, इतना बार रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट टाइम इसको छोड़ नहीं जा सकते हैं, और क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से है कि आप उसमें हर बार गलती हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, लास्ट टाइम अगर हरा भी जाएगा, एग्जाम पेपर खराब भी जाएगा, तो थ्योरेटिकल चैप्टर से जो है ना आपका स्कोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में केमिस्ट्री का भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बताना जरूरी होता है नीट के एग्जाम टाइम में।